नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सुंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बेगर भगाए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी जो है आप लोग के डायरेक्ट मिलती रहे और जितनी भी बीमारी है वो हमेशा के लिए जड़ से मिट जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि पेट में कीड़ा हो जाती है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोगों को पेट में कीड़ा हो गई है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेना है एक मूली, जो बड़ा मूली होता है उसमें दो दो तीन प्रकार की होती है, तो उसमें लकवे फालिस की बीमारी होने की संभावना रहता है, तो उसमें चिन्ह करके मूली जो है वो लेना है। अच्छा आप लोग को जो सूट करे उसमें थोड़ा सा काला नमक और आयोडीन नमक दोनों मिक्स करके थोड़ा सा और एक मूली खा लेना है। खाली पेट खाएंगे तो और अच्छा है। उसको खाने के बाद में 2 घंटा तक खाना नहीं खाना है, उसके बाद में आपको खाना खाना है। ऐसे अगर कुछ दिन तक करेंगे आप लोग तो आपको पेट की कीड़ा मर जाएंगे और विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिलता है उसमें। आंखों की रोशनी बरकरार रहती है, शरीर में नया शक्ति मिलती है, उसमें विटामिन बहुत ज़्यादा मिलती है। पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है कि थोड़ा सा हींग लेना है और सुसुम पानी कर लेना है, थोड़ा सा मटर के बराबर। तो ये ठंडी के मौसम में खाना है। ठंडियों के मौसम में क्या करना है कि थोड़ा सा हींग लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा सा मटर के दाने के बराबर, और उसको खा करके पानी पी लेना है। 4 दिन 5 दिन पर ऐसे करेंगे आप लोग कुछ दिनों तक, यानी 15 दिन में 3 ही बार खाना है। अगर आप लोग खाएंगे तो आपको पेट की कंडीशन ठीक हो जाएगी और आपके कीड़े जो है पेट में वो बिल्कुल मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाएगा और आपके चेहरे पे इतना रोशनी आ जाएगी कि आप देख करके चौंक जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पेट में कीड़ा हो गई है, जिसको चील कहा जाता है, तो उसको मल मूत्र के द्वारा निकालने के लिए यही रास्ता है कि दो चीज़ अपनाइए। सबसे अच्छा है मूली, मूली खाइएगा। तो ऐसे लोग सलाद में भी खाते हैं, जिन लोगों को मूली पसंद आती है, जो लोग ज़्यादा मूली खाते हैं उनके पेट में कीड़ा कभी नहीं होते हैं और उसका पेट जो है वो बाहर नहीं निकलता है। सलाद में भी खाइए तो अच्छा है या खाना में खाइए तो, लेकिन जड़ी बूटी के द्वारा जो है ये सब चीज़ें जो है वो बनती है इसकी दवा। दोस्तों जैसे कि जो हम लोग लहसुन खाते हैं सब्जी में डाल करके, इसीलिए कि हम लोगों को टीबी की बीमारी ना हो। लेकिन अगर आप लोगों को बवासीर की बीमारी है तो ज़्यादा लहसुन नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा आदि नहीं खाना चाहिए। दोस्तों मूली के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई। अगर ऐसे ऐसे वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी आप लोगों को डायरेक्ट मिलती रहे। माता दुर्गा जी हमेशा आप लोगों को बना करके रखें। थैंक यू दोस्तों।